हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बराबर है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि BMI क्या होता है और इससे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि BMI होता क्या है। दोस्तों, BMI हमारी बॉडी का एक मेजरमेंट होता है जो हमारी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। BMI से हमें ये पता चलता है कि बॉडी में फैट या चर्बी ज्यादा है या कम। BMI कैसे निकाला जाता है ये जानने से पहले मसल्स और फैट में क्या डिफरेंस होता है ये बताता हूँ। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके एक हाथ में 1 किलो का पत्थर है और दूसरे हाथ में 1 किलो का कॉटन यानी रुई है। अब देखने जाए तो दोनों का वजन 1 किलो ही है, लेकिन पत्थर एकदम मजबूत और स्ट्रांग है और वहीं कॉटन हल्का और फुला हुआ होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी भी कॉटन की तरह फुली हुई और मोटी दिखती है। और अगर आपका BMI ज्यादा है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में चर्बी ज्यादा है और यही डिफरेंस होता है मसल्स और फैट में। तो इसी तरह से मसल्स पत्थर की तरह मजबूत होने चाहिए और फैट जो रुई की तरह होता है वो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि BMI कैसे निकाला जाता है। BMI निकालने का एक फॉर्मूला है जो है मास अपॉन हाइट। इसमें मास केजी में होता है और हाइट मीटर में होती है। तो हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके मास को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 80 किलो है और हाइट है 1.71 मीटर यानी करीब करीब 5 फीट 6 इंच, तो 1.71 मीटर हाइट का स्क्वायर होता है 1.71 × 1.71 = 2.92 मीटर स्क्वायर। तो आपका BMI होगा 80 kg / 2.92 = 27.4। और अगर आपका BMI 27.4 है तो आप ओवरवेट हैं, यानी आपको अपना वेट कम करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि BMI स्कोर के हिसाब से उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है। पहली, अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं और ऐसे केस में आपको डाइजेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज के रिस्क ज्यादा है और आपकी इम्यूनिटी भी कम रहती है जिसकी वजह से आप बार बार बीमार होते हैं। दूसरा है, अगर आपका BMI 18.5 और 24.9 के बीच में है तो ये नॉर्मल BMI होता है, जिसका मतलब है आप हेल्दी हो और ज्यादा एनर्जेटिक और आपको डायबिटीज और दूसरी कई बीमारियों के होने का रिस्क कम होता है। हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हमारा BMI इस रेंज में ही हो जो आपके हेल्दी होने का साइन है। तीसरा, अगर आपका BMI 25 और 29.9 के बीच में है तो ये ओवरवेट गिना जाता है। इसमें आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन का ज्यादा रिस्क रहता है। और अगर आपका BMI 30 और 34.9 या फिर 35 के ऊपर है तो आप ओबेज यानी मोटापे की कैटेगरी में गिने जाओगे। और अगर आपका BMI इस रेंज में है तो आपको ज्यादा संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें आपको हार्ट और लंग्स डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हैं और कई लोगों को कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको BMI और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है और BMI ज्यादा होने के कारण उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।